डीएलएड बीएड सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का गर्दनी बाग में महाआंदोलन शुरू। सातवें चरण शिक्षक बहाली नोटिफिकेशन की बड़ी मांग। अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं आम अभ्यर्थी के लिए जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए। बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थियों का हुजूम आप देख सकते हैं। अभ्यर्थियों का दर्द सुनकर छलक जाएंगी आपकी भी आंखें। बीएड जो मैडम जो बीएड करता है ना, गरीब बुर्गे लोग जो एकदम नीचे जाति के होते हैं ना, वही सब बीएड करता है। कभी देखे नेता लोगों का बेटा सब कभी बीएड करते हुए? इसलिए कहते हैं कि अभी जल्द से जल्द बहाली हम लोग को करें, और जो सिक्स चरण में जो सी रिक्तियाँ खाली हो गई है, जो बची हुई है, और 22 तक रिक्तियाँ जोड़ कर हम लोग को जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करें। देखिए, कुछ महिलाएं भी यहाँ पे हैं, अपनी मांगों को लेके गर्दनी भाग धरना स्थल पे धरना दे रही है। कितना दुख होता है कि पढ़ लिख के धरना दे रही है, इतना दुख होता है मैम कि बता नहीं सकते। अपनी दुख ब्याह करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं कि कोई तो समझे। शादी ब्याह की उम्र हो गई है, फिर भी धरना दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फिर भी धरना दे रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोग को स्कूल मतलब नियुक्त करवा दे, उसके बाद भविष्य बन जाएगा तो आगे का भविष्य भी बन जाएगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल से माता पिता पढ़ाए हैं, हम लोगों के पीछे पैसे खर्च किए हैं। बीएड करवाने में पता ही है कि बहुत पैसा खर्च होता है, उसके बावजूद भी हम लोग बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सबको दुखी होता है, हमें भी और पूरे परिवार वाले को भी। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किए फिर भी ये बैठी हुई है और कुछ भी नहीं मिला। मैम, घर परिवार छोड़ के आती है, कितना दुख लगता है? दुख तो लगता है, लेकिन क्या करें, नहीं आएंगे। एक तो इतना बड़ा आंदोलन किए फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, अब हम सब क्या करें? लास्ट में यही उपाय, जब तक नहीं हमारी बात मांग होगी पूरी, तब तक हम से यहाँ बैठे रहेंगे बस। अब यह 22 से 23 नहीं होगा, आपको 7th फेज का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, डेडलाइन यहाँ जारी कीजिए, और नहीं तो आपका ह्यूमन बॉडी सरकार की। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? या खिलवाड़ नहीं है तो हम शिक्षा मंत्री जी, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे बिहार के करोड़ों माँ बाप के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, करोड़ों बच्चे के शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बिहार राज्य के शिक्षा, बिहार राज्य के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में 3.5 लाख शिक्षक के पद खाली है और लाखों विद्यार्थी सीटेट पास करके बेरोजगार है। तो शिक्षा मंत्री से हम लोगों का इतना ही मांग है कि सर, आपके पास शिक्षक की जरूरत भी है और हम लोग सीटेट पास करके बेरोजगार भी है, तो जल्द से जल्द प्राइमरी 7th फेज नोटिफिकेशन आप जारी करिए। और आप बहुत दिनों से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का खेल खेल रहे थे, अब हम लोग अनिश्चितकाल आंदोलन करने जा रहे हैं। आप जो है निश्चित डेट हम लोगों को बता दीजिए कि हम लोगों के लिए आप कब विज्ञापन जारी कर रहे हैं। धन्यवाद। आप ये चाह रहे हैं कि 3 साल से आप लोग भटक रहे हैं, सरकार आखिर आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रही? ये तो सरकार की मंशा ही बताएगी। हम लोग 3 साल से इंतजार कर रहे हैं सातवां चरण की, अभी तक शिक्षा मंत्री हम लोगों को क्या लालीपॉप दिखा दे रहे हैं? कहे थे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अब अप्रैल में, अप्रैल भी बीत गया, अभी तक विज्ञप्ति 7th चरण की नहीं जारी हुई है। इसी को हम लोग मांग कर। आपने आम अभ्यर्थियों का दर्द सुना, ऐसे में आप समझ सकते हैं बेरोजगारी आम अभ्यर्थियों को तबाह कर रही है। और ये शिक्षक अभ्यर्थी है, इनकी जगह धरना स्थल नहीं स्कूल है। ऐसे में अगर आप बिहार के बाहर से डीएलएड बीएड एमएड पीजी की पढ़ाई सस्ते दरों पर करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर है। बिहार में बीएड डीएलएड एमएड की पढ़ाई महंगी, ऐसे में शिक्षा सुधार एक बड़ा मौका आपको दे रहा है अपने भविष्य निर्माण का। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।